Hello children, today we are going to start question number 5 of exercise 4C of class 6. Question can add without using the number line. Chapter number 4 जो है वो integers के हैं, तो जैसे हमने whole numbers के addition, subtraction, division, multiplication सीखे थे, वैसे ही इन chapter number 4 जो कि integer हैं, in chapter number 4 we are going to learn मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ इंटीजर नंबर्स। अब इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल, ये तो 12 है। अब यहां देखो, ये माइनस का 5, माइनस का 5, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने पर सिंबल्स का मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस, माइनस माइनस 5, देन इट विल बिकम माइनस 10, देन माइनस 8, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, और साइन भी माइनस का आता है, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन भी माइनस का आता है। व्हाइल डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस प्लस होगा और साइन भी माइनस का आएगा। अब देखो, प्लस माइनस माइनस, अब जो सेम साइन के नंबर से पहले उनको ऐड करो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का 13 बनाएगा, प्लस का 12, माइनस प्लस माइनस, देन माइनस का 1, जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का आएगा। इधर 14 प्लस 7 माइनस 9, 21 माइनस 9 विच इज 12, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 12। अब क्वेश्चन नंबर 6, we have to compare integers, okay, we have to put these sign in fill in the blank, yeah, fill in the box, minus 10 plus 6 box 5 plus minus 8, okay। अब इस जो box दे रखा है blank box, इसके दो साइड हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों को सॉल्व करो पहले। जैसे ये तो माइनस का 4 बन गया, बॉक्स राइट हैंड साइड 5 माइनस का 8 आएगा, ये माइनस का 4 सेम, बॉक्स प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, नो डाउट। नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी होगी उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होती है, तो माइनस 4 इज लेस देन माइनस 3, माइनस 4 छोटा है तो आपका जो साइन आएगा वो ये आएगा, डन। इसका डी पार्ट और देख लो आप, डी पार्ट इज माइनस 8 प्लस 8, माइनस 8 प्लस 8 ब्लैंक बॉक्स 17 प्लस माइनस, ओके डन। इसको सॉल्व किया, 0 ब्लैंक बॉक्स 17 माइनस 20, 0 ब्लैंक बॉक्स, प्लस माइनस 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 का 3, डन। अब देखो, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, पर हम इसको दोनों में कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो, 0 बड़ा या माइनस 3, तो 0 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा माइनस 3 से, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर, जीरो की वैल्यू बड़े से बड़े नेगेटिव इंटीजर से तो मैक्सिमम ही होगी, डन। क्वेश्चन नंबर 7, द क्वेश्चन नंबर 7 वी हैड ऑलरेडी डन इन होल नंबर्स, जो होल नंबर चैप्टर था हमने उसमें किया था, राइट द एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वापस देखो सुन लो रिवीजन के लिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इफ ए नंबर इन एडेड इन एनी नंबर एंड इट गिव्स यू जीरो, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एक नंबर के अंदर आपने कोई नंबर ऐड किया, ऐड करने पे आपको जीरो मिल गया, तो जो नंबर आपने ऐड किया है वही आपका एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, सॉरी 7th का ए पार्ट है 15, एडिटिव इनवर्स। अब आप इसमें क्या ऐड करोगे कि जीरो मिलेगा,
तो 15 के अंदर जब आप लोग माइनस का 15 ऐड करोगे यू विल गेट 0। तो दैट टाइम हमने क्या सीखा था कि एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है बट उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का होगा तो माइनस का होगा तो प्लस का। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा -15। डन। नाउ 4D, 4D इज सब्ट्रैक्शन, इजी चैप्टर है ये भी, देखो इसके कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। 4D के टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जिसके सारे क्वेश्चंस का ओनली वन वन पार्ट, एक एक पार्ट ही करवाया जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स नंबर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो ज्यादा चेंजेस नहीं है। फर्स्ट का एक पार्ट लेते हैं, आपसे पूछा गया है, देखो ये दिख रहा है 8 -15 सब्ट्रैक्शन होगा तो कैसे होगा? नाउ ब्रैकेट ओपन, जैसे माइनस प्लस माइनस होता है सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, योर आंसर विल बी 23। सेम, जब भी देखो हम बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, वाइल डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर मान लो दो सिंबल कंटिन्यू आ रहे हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट टाइम माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया। अब देखो सेकंड का जे पार्ट -7 -27। ओके देखो माइनस माइनस प्लस 27, ये माइनस का प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 27 -7 20, तो बड़ा नंबर प्लस का था इसलिए प्लस का साइन आएगा। डन। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड। क्वेश्चन 3 क्या है? सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकेंड, इसका हम लेते हैं एफ पार्ट लिखेंगे। एफ पार्ट क्या है? -2910 कॉमा -3920। अब देखो क्वेश्चन को समझो, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकेंड, तो इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस अब ब्रैकेट के अंदर -2910। इन मैथमेटिक्स अगर आप माइनस के बाद में कोई भी इक्वेशन एंड नंबर लिखते हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। उसका क्या है, रीजन क्या है? द रीजन ऑफ दैट देयर इज लेस चांसेस टू डू क्वेश्चन रॉन्ग, उससे आपके क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। अब देखो -3920 -2910। अब देखो ये माइनस का ए प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, जीरो में से जीरो गया जीरो, 2 -1 1, 9 -9 0, 3 -2 1, माइनस का डिजिट बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल आएगा -1010। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन वी हैव टू फिल द ब्लैंक बॉक्स। इन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वी हैव टू कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब देखो इसका भी डी पार्ट ही करेंगे हम, -15 -15 एंड -15 -15। इन दोनों क्वेश्चंस में देखो अभी मैंने यहां पे क्या सिखाया था कि नेगेटिव के बाद में कोई भी नंबर लिखो ब्रैकेट में लिखो। ओके डन। अब यहां पे देखो नंबर सेम है, इस नेगेटिव के बाद में कोई ब्रैकेट नहीं है बट इस नेगेटिव के बाद में ब्रैकेट है, तो अब देखो यहां पे क्या चेंजेस होते हैं ब्रैकेट की वजह से। देखो -15 ब्रैकेट ओपन माइनस माइनस प्लस -15 ब्लैंक बॉक्स,
माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 30 आएगा, माइनस प्लस माइनस जीरो, जीरो बॉक्स माइनस 30। अभी बताया था जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए नेगेटिव इंटीजर, तो ये बड़ा होगा। देखो अगर यहाँ पे ये माइनस ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। ओके, एक्सेस 4C और 4D कंप्लीट हुई, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डन। कल हम इसके चैप्टर नंबर 4 के जो MCQs और चैप्टर टेस्ट दे रखा है कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हमने चैप्टर 4 के बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं या ये चैप्टर बहुत छोटा था इसकी वजह से। तो इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस MCQ एंड चैप्टर टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर।